गाइस तो हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। मैं आपको इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, बस एक ट्रिक बताऊंगा जिसके बेस पे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसमें कोई सी पहले इक्वेशन लेता हूँ, मान लो 2x + 3y = 46, मैं कुछ भी लेता हूँ, ठीक है। जैसे इक्वेशन फर्स्ट इसे ले ली और वैसे 3x + 5y = 74, कुछ भी ले ली, ठीक है। मैंने मान लो कोई सी भी इक्वेशन ऐसी ले ली, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको जो है इज इक्वल टू में ज़ीरो लिखना होता है। 2x + 3y, इस साइड है प्लस का, इस साइड आएगा माइनस का, माइनस का 46 इज इक्वल टू में ज़ीरो, ठीक है। और फिर जाके ये है 3x + 5y - 74 = 0, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले ये लिखना है x, x के नीचे एक लाइन इज इक्वल टू y, y के नीचे एक लाइन और फिर जाके 1 के नीचे लाइन। देखो अब क्या करना है हमें, इसे देखते हैं, ठीक है। x वाले के नीचे जो, देखो x वाले के नीचे, x वाले को छोड़ के जो बाकी नंबर दिखे, जैसे y से पहले 3 है और y से पहले 5 है, पहले इसे लिखेंगे 3 और 5, और फिर क्या माइनस का 46 माइनस का 74, फिर इसे लिखेंगे -46 - 74, ठीक है। फिर देखो उसके बाद, फिर अब बात आती है y की, तो y में क्या करेंगे, पहले y वाले को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे, इस साइड जाएंगे, यहाँ से शुरू करके इस साइड से शुरू करके यहाँ जाएंगे, तो -46 - 74। देखो जैसे मैंने y वाले को कवर कर लिया, तो पहले हम इसे देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इधर देखेंगे, तो माइनस का 46 और -74, फिर अब इसे लिखेंगे 2 और 3, फिर लास्ट में बात आती है हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसमें हम, अब मैं इधर से चालू नहीं करूँगा, देखो यहाँ से जाएंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे, हमें यह सर्कुलर बनाना होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ से, पहले मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से करके ऐसे दोबारा यहाँ पहुँच गया, तो मैं क्या यहाँ से शुरू करूँगा ना ऐसे करके, ठीक है। तो जो मेरे पास 1 है, तो 1 के नीचे मैं क्या रखूँगा, 2 और 3, फिर 3 और 5, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस वाले को इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इस वाले से, इसको इससे, ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई करूँगा मैं। तो देखो एक्स डिवाइड बाई, इसको करता हूँ 3 × में माइनस का 74 माइनस, ठीक है, 5 - 46 इज इक्वल टू, फिर वाई के नीचे, ठीक है, 3 × में माइनस का 46 माइनस 2 × में माइनस का 74 इज इक्वल टू 1, फिर 2 × में 5 - 3 × में 3। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे 4 × 12 = 12, 12 + 2 फिर जाके करें 2 7 7 = 21 और 1, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, माइनस का 2 2 2, ठीक है। फिर इसको ऐसे करेंगे तो 6 5 30 30, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएंगे, फिर 6 5 30 30 का 0 carry 1, फिर जाके 2 3 0, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, उसके बाद y के नीचे, फिर हम, मैं क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास आएगा माइनस का 138, फिर ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो माइनस का 74 और माइनस का 2, मेरे पास क्या आ जाएगा, 148, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 / 5 × 10 - 9, तो x अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 = फिर y अपॉन में यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 / 1, ठीक है। तो 1 / 1 का मतलब क्या, 1 है यहाँ पे सिंपल। तो देखो अब क्या करना है, जैसे मेरे पास एक ये है और ये, एक बार मुझे इसको इस पूरे के इक्वल रखना है और एक बार इसको इस पूरे के इक्वल रखना है, तो क्या करूँगा, देखो एक्स अपॉन में 8 = 1, ठीक है, 1 / 1 तो 1 ही होता है, इस साइड डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में, तो x = 8, ठीक है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही रहता है वो। उसके बाद इधर 10 है, ठीक है, तो क्या मेरे पास अगला y / 10 = 1, इधर 10 डिवाइड उसे मल्टीप्लाई में, तो y = 10,
ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। देखो हमें करना क्या होता है, जैसे x है ठीक है, तो x वाले को छोड़ के इस साइड से जितने हैं उन सबको क्या है यहाँ पे लिख दो, जैसे 35 माइनस 46 माइनस 74 लिख दिया। फिर y वाले के नीचे इस y वाले को कवर कर लो यहाँ से घुमा के ऐसे, इधर वाले को फिर इधर वाले को, माइनस 46 74 2 और 3 ठीक है। फिर लास्ट का बचा मेरे पास, तो क्या करेंगे इसको छुपा देंगे और इस वाले को और इस वाले को, तो 23 और 35, 23 35। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है, फिर सॉल्व करके हमारा आंसर ठीक है। हमें बस यहाँ पे क्या है कि इसको करना है, हमें फिर कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ठीक है। गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।